नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिड जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू के रोड पे आप आए दिन स्टंट्स देखते थे बाइक्स के ऊपर, जहां स्टंट्समैन अजीबोगरीब हर अंग्रेज तरीके से स्टंट्स करते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना एक रवैया जो है स्टंट्समैन की तरफ जो है वो हार्ड एहतियात करते हुए स्टंट्समैन को हाल ही में कुजवानी नगरोटा हाईवे के ऊपर ये कहा कि आप स्टंट्स नहीं कर सकते, और जिसके चलते स्टंट्समैन की फर्निटी की तरफ से कुछ लड़के आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें स्टंट्स करने हैं। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन आज मेरे साथ जुड़ रखे हैं बाइक्स क्लब हैं जम्मू के, अलग अलग बाइक्स क्लब हैं और बड़े सारे सोशल काज के लिए ये जो है वो रैलीज करते हैं। लेकिन आज इनका ये कहना है कि जो स्टंट्स हैं वो पब्लिक प्लेस पे बैन होने चाहिए। विक्रमजीत सिंह मनास हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या पूरा मुद्दा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। विक्रमजीत, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि क्या वजह हो गई कि आज बाइक्स क्लब को बाइक छोड़ के प्रेस क्लब के बाहर धरना प्रदर्शन जहाँ किया जाता है अक्सर, वहाँ पे आके अपनी आवाज़ रखने पड़ रही है? सर, इसका रीज़न एक ही है कि कुछ दिनों से जो सीन चल रहा है यहाँ पे अपना स्टंट और पुलिस के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं जो रजिस्टर्ड बाइकर्स हैं हमारी तरह, जिन्होंने 5 साल मेहनत करके अपने क्लब का नाम बनाया है या इमेज बनाई है सोसाइटी में अच्छी, उनको हैरासमेंट हो रही है पुलिस की तरफ से भी। और मैं गलत पुलिस को भी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक जनरलाइज हो जाता है ना, एक आप कर लेते हो कि अगर किसी ने हेलमेट डाली है, ऊपर कैमरा लगाया है, तो ये स्टंट ही कर रहा होगा व्यूज़ के लिए। अपनी जगह वो भी ठीक है, हाँ थोड़ी परेशानी होती है, उनको हम समझाते हैं, टाइम वेस्ट भी होता है, और आप कितने ही नाके पे समझा लोगे। उसके बाद जो DSP सर ने परसों चौथ एक बाइक सीज़ की थी, उसके खिलाफ कल कुछ लड़के आए कि मोटो व्लॉगिंग बैन हो रही है। अब मोटो व्लॉगिंग आपने देख लिया कि उन्होंने बोला कि मोटो व्लॉगिंग बैन करनी है, पर आपने उसके पीछे का रीज़न क्यों नहीं आपने समझा? अगर आप जेन्युइन बाइकर्स होते ना, आप भी आके बोलते कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, हमने बोला, हम कहते हैं कि एक महीने बंद करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे एक महीने मोटो व्लॉगिंग, यार क्या हो गया सर? अच्छा, मोटो व्लॉगिंग ब्लॉग बैन होने का कोई ऑर्डर आया? देखिए, ऑर्डर कुछ नहीं आया सर ने, एक ऐसी न्यूज़ बाइट में कहीं पर कह दिया होगा। उन्होंने किस लिए कहा? क्योंकि उनको लगा कि मोस्टली जो लड़के हैं मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? स्टंट्स मार के व्यूज़ लेने के लिए। तो उन्होंने शॉर्ट वे एक सोचा कि चलो यार मोटो व्लॉगिंग बैन करते हैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम रोड जो है सेफ रहेंगी। हाँ, लॉन्ग टर्म में उसके खिलाफ हम भी हैं, क्योंकि हमारा भी काफ़ी है, बाहर से लोग आते हैं मोटो व्लॉगिंग करने, यार तो जम्मू घूमने आएगा बंदा, अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ तो वो खाली आएगा और जाएगा तो नहीं, यार वो मोटो व्लॉगिंग करेगा, वीडियो बनाएगा, बाहर जाके अपने लोगों के साथ शेयर करेगा। उस चीज़ के लिए भी हम ट्रैफिक पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके लिए भी कुछ ऐसा आप प्रावधान कीजिए कि जो नॉर्मल बाइकर्स हैं या जो बाहर से टूरिंग वाले आते हैं ना, उनको उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए ना, 5 मिनट लगते हैं, किसी का फ़ोन निकालो, उसको बोला अपना इंस्टाग्राम आईडी दे, वहीं पर पता चल जाएगा आपको स्टंट मारता है कि फोटो ब्लॉगिंग करता है जेन्युइन वाली। आप कीजिए ना, जो भी आपको स्टंट मारता दिखता है, आप अच्छे से उस पर जो भी कार्रवाई होती है, आप बाइक सीज कर सकते हो, आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हो, अगर आप क्रिमिनल एक्ट डालो रैश ड्राइविंग का, आप 6 महीने उसको अंदर रख सकते हो। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्टनेस ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप भी कहीं सीधा हाईवे पे जाओगे ना, सुबह से लेकर शाम तक आपको पता नहीं कितने ग्रुप मिलेंगे जो ऐसे ही कोई स्कूटियों पे लगा हुआ है बिना हेलमेट के, कोई स्पोर्ट्स बाइक पे लगा हुआ है, कट मार रहे हैं बंदों के सामने, गाड़ियों के पीछे से कट मार रहे हैं, कहीं पे थूक भी रहे हैं, और थूकने वाली वीडियो भी चोरी में चोर चोर में डाल रहे हैं कि हमने तो ठोक दिया, भाई क्या हो गया, क्या कर लिया किसी ने हमसे। मतलब अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का ही डर नहीं है, तो फिर आप क्या मतलब सोच रहे हो, कैसे बंद करोगे इस चीज़ को? उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही पड़ेंगे। हमारी जहाँ ज़रूरत होगी बाइकर्स क्लब की, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप हमें बताइए, आप कहाँ पे आपको चाहिए, आपको बाइक से नंबर चाहिए वो मैं हम देख सकते हैं, आपको बंदों की डिटेल चाहिए वो भी हम देंगे, सब कुछ है। वैसे तो हमें देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, आपके पास वो सारी डिटेल होती है, आपका 2 मिनट का काम है उनकी डिटेल निकाल कर उन पर कार्रवाई करना, पर इसके लिए कार्रवाई करना ज़रूरी है इससे पहले कि ये कुछ जाता है ना, अभी छोटा चल रहा है, उसके बाद बड़ा हो जाएगा, किसी को नुकसान पड़ेगा, कोई कैजुअलिटी होगी, आप उसके बाद करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उससे पहले आएगी कि अगर किसी को, आपने जम्मू को सेफ़ रखना है सड़कों को, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी उसको। जम्मू को सेफ़ रखना है सड़कों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं विक्रम जी बात करूँगा, ये जो आप बात दोहरा रहे हैं, ये लगभग 2-3 दिन पहले की बात है, जहाँ पे हाईवे के ऊपर जैसे मैंने कहा स्टंट्स करते हुए लड़के को मना किया गया, लेकिन जो बाकी बाइक ग्रुप्स हैं, जैसे आपने कहा कि आप रजिस्टर्ड बाइकर्स ग्रुप हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ कितने ग्रुप्स हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है? सैटरडे की बात है शायद वो बाइक वाली, और संडे को हमारे कुछ क्लब्स जो हैं वो राइड पे गए थे, कुछ अकेले लड़के गए थे, कोई 2-3 गए थे, हर एक नाके पे चेकिंग हुई है, कैमरे उतरवाए गए, उनको बोला गया कैमरे क्यों लगाए, मतलब पूछताछ हुई है, ऐसा नहीं है, पुलिस वालों ने समझाया, जब उन्होंने उनको समझाया उन्होंने समझा इस चीज़ को कि ये नहीं नॉर्मल बाइकर्स हैं, ये खाली घूमने फिरने जा रहे हैं, उनको छोड़ा है। बट आप कितने को समझा लोगे? कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है आपको, हर नाके पर रोक के सफाई देनी पड़ेगी, यार गुस्सा तो आता है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ है, हमारे गुस्सा कुछ नहीं, आप स्टंट करना, आप DC से परमिशन लीजिए, आप उनको बताइए कि हमारी ये जगह है, एक यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं आती, कोई पार्किंग पुरानी पड़ी है या कुछ है, जहाँ पे भी आप स्टंट करना चाहो करो ना, किसने मना किया? मैं तो हर चैनल पे जिस पे इंटरव्यू तो मैं कह रहा हूँ, हम भी आएंगे देखना आपका स्टंट, यार सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे करेंगे जहाँ पे लीगल है,
अगर आप कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा के आप सोचोगे कि हम हाईवे पे स्टंट करेंगे, वो हम होने नहीं देंगे जम्मू में। उसके खिलाफ हमेशा है और पुलिस में जो भी हमारी हेल्प चाहिए हम देंगे। जो रजिस्टर बाइकर्स क्लब है जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो स्टंट्स कर रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सर यही है, जैसे कि एक जर्नलिस्ट आप हो, आप प्रोफेशनल हो, और कोई माइक पकड़ के व्लॉगिंग कर रहा है, उसमें फ़र्क है। आप में और उसमें फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वही फ़र्क हमें उसमें। हमने जब बाइकर्स क्लब स्टार्ट किया, बाइकर का मतलब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी हैंडल करना। अगर आप अपने आप को बाइकर बोलते हो ना, आपके ऊपर सोसाइटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देख के ही चलना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में से कोई नहीं करता रैश ड्राइविंग, अगर कोई करेगा तो मैं अगले दिन उसको ग्रुप से बाहर निकाल देता हूँ। एक दो बार ही हुआ है। हमने उसमें रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं ग्रुप्स के। हमारा क्लब रजिस्टर्ड है, जो साथ में थे वो भी रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कोई क्लब रजिस्टर्ड नहीं है जम्मू में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चार पांच लड़के इकट्ठे होते हैं, बाइकें निकालते हैं, चलो जी हम ग्रुप बन गए। ग्रुप ऐसे नहीं बनते सर, रजिस्टर करवाने पड़ते हैं। आप उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर करा सकते हो, आप ऐसे ट्रस्ट करा सकते हो, आप कोऑपरेटिव उसको सोसाइटी करवा सकते हो, एनजीओ करवा सकते हो, पर करवाना जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेस पे अभी स्टंट्स नहीं होने चाहिए, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बता दें कि जम्मू का कोई भी बंदा ऐसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए सर। आप ही सोचिए यार, मेरी फैमिली अगर बाहर, कोई मेरे फादर जा रहे हैं या मेरी कोई सिस्टर बाहर स्कूटी पे जा रही है, कोई कट मारता है, उनको नुकसान पहुंच जाता है, तो फिर उस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? पुलिस है? पुलिस बोलेगी हम जिम्मेदार हैं या जो उनके पेरेंट्स बोलेंगे? वो तो चले जाएंगे ना, वो तो निकल जाएंगे, उनके क्या होगा? चलान कर लेगी पुलिस, ज़्यादा ज़्यादा क्या करेंगे, जेल में डाल देंगे 2-3 महीने के लिए। जिनकी नुकसान होगा उनका। मैं ऐसी बात पे आऊँगा, रैश ड्राइविंग, ये तो हम सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं छोटे जो कस्बे होते हैं गाँव में, वहाँ भी बड़ी रैश ड्राइविंग, खासकर जिसने नई बाइक ली है, स्पोर्ट्स बाइक ली है या बुलेट बाइक ली है। तो चलन जब से ये टिकटॉक और रील्स वाला चला ना, तब से कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि व्यूज ईजिली मिलते हैं। वो कहते हैं ना टिकटॉक पे आप छपरी हरकतें करोगे तो व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, बेशक लोग गालियाँ ही दे रहे हो, व्यूज़ मिल जाते हैं। तो वही चीज़ अब पता नहीं लोगों के दिमाग में, बच्चों के, टीनेजर्स, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से स्कूल वैसे भी बंद है, कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, वेले बैठे थे घर, उनको लगता है यार व्यूज़ ही ले लिए, थोड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बन जाए। कुछ लोगों ने स्टार्ट किया यूट्यूब पे, उन्होंने देखा फॉलोअर इनके मिलियन में हो गए, हम भी यही करेंगे, हमारे भी फॉलोअर मिलियन में हो गए। मैं बात ये कर रहा हूँ, ऐसी आवाज़ पहली मरतबा हुई है। हम देखते हैं गाँव में भी, वहाँ में लोग कहते हैं कि जब शाम के समय में, खासकर जब सुबह जब कोई निकलता है, तो काफ़ी तेजी से बाइक चलाते हैं, हॉर्न करके जाते हैं, और खासकर जो साइलेंसर का उन्होंने प्रयोग किया होता है, तो हाँ उससे कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन इस तरह की, जिस तरीके से आज आप पहली मरतबा इसके अपोज करने के लिए आए हैं, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जहाँ पे अपोज कर रहा है कोई, इस पर क्या कहेंगे? सर अपोज करने के लिए नौबत इसलिए आई क्योंकि बंदे गलती करके कल यहाँ प्रोटेस्ट करें ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ। एक तो आपने गलती किया, ऊपर से आप उसको जस्टिफाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को चोर बोल रहे हो आके। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने सोच समझ के, अगर मोटर व्लॉगिंग बोला कि कुछ देर के लिए बंद कर दिया, तो उन्होंने सोच समझ के किया, आपकी सेफ्टी के लिए किया, आपकी सेफ्टी से ज़्यादा दूसरे लोगों की सेफ्टी के लिए किया। पहली बार जम्मू में ऐसा हुआ कि कोई चोर गलती कर रहा है और वो आगे कोतवाल को जैसे कहता है डांट रहा है, तो वो कर रहा है, वो देख के हमें गलत लगा। जहाँ पे हाँ ठीक है, जब IG बसंतराज थे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वॉइस मैंने उठाई थी जब उन्होंने नाजायज़ लोगों के चलान करना शुरू किए, नाजायज़ लोगों को मारना शुरू किया, मैंने वो आवाज़ उठाई, ठीक है। तब हमने बाइकर्स का साथ भी दिया है, तो अगर हमने एसोसिएशन बाइकर्स की बनाई है, मैंने क्लब बनाया, तो हमने बाइकर्स के लिए ही बनाया है, पर जेन्युइन रीज़न पे। जहाँ ट्रैफिक वाले गलत हैं, हम ट्रैफिक वालों को गलत बोलेंगे, पर जहाँ पे आप ट्रैफिक वालों को गलत इसलिए बोलोगे क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल एक्टिविटीज़ सर है, पर वहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी कराती है ना, वो पहले दो जगह से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, एक अपने DC से और एक जो वहाँ के पुलिस चीफ हैं, दोनों। विदाउट परमिशन नहीं हो सकता? विदाउट परमिशन नहीं होता सर, IIT ने किया था, अब उन पर केस चला है IIT पे, IIT पे चल गया। तो ये तो क्या है, ये तो बच्चे हैं अभी, टीनेजर्स हैं ये। आप जाओ DC के पास जाओ ना, आप बोलो कि हमने शो करवाना सर, बाहू प्लाजा करवाना, हमने वहाँ पे जगह है, ठीक है। DC वो देखेगा कि वहाँ पे पब्लिक आती है कि नहीं आती, अगर उसको लगेगा वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही, पार्किंग है ना बाहू प्लाजा की, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल रही, पुलिस वाले के पास जाओगे, उसको बोलोगे इतनी डेट को हमने स्टंट करना है, वो पुलिस वाले वहाँ पे इंतजाम करेंगे, गाड़ियाँ नहीं आएंगी, वो परमिशन देंगे आप शो करो। अभी पीछे हुआ है शो एक वहाँ पे, ऐसी बात नहीं कि स्टंट को हम ये नहीं कह रहे कि स्टंट बैन कर दो, हम स्टंट कह रहे हैं पब्लिक प्लेस और ट्रैफिक के बीच में स्टंट नहीं चलने देंगे। क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए, खासकर अधिकतर वो टीनेजर्स ही हैं, और उसके साथ साथ उनके लिए खुद जो स्टंट्समैन बन के घूम रहे हैं, और पूरे समाज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, पहली मर्तबा आवाज़ उठी है कि ये जो सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं पब्लिक को, खासकर बाइक से संबंधित, वो नहीं होना चाहिए। देखिए सर, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कुछ नहीं कह सकते, पुलिस कुछ नहीं कह सकती, सबसे बड़ा रोल जो इस चीज़ में होता है वो पेरेंट्स का होता है। आप अगर अपने टीनेजर बच्चे को, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप बाइक लेके दे रहे हो ना, और आप उसको खुला छोड़ रहे हो कि तू हाईवे पे जाकर स्टंट मारा, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है सर। आप 3 लाख रुपए, आपने ठीक है, आपका पैसा होगा, आपने 3 लाख की बाइक दे दी, बच्चे को कुछ हो जाता, बच्चा दोबारा वापस पैसे से नहीं आएगा, आपका नहीं आएगा। जिसको अगर वो कल को ठोक देता है, किसी की और की डेथ हो जाती है, उसका क्या, फैमिली का? आपके पास होगा पैसा, कल को किसी गरीब को मार देगा, उसका क्या?
आप क्या करोगे, बंदा वापस ला दोगे? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पेरेंट्स की है, इनकी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके बच्चे के पास, आपको पता है लाइसेंस है नहीं है, सभी पेरेंट्स को पता होता है, हमारे पेरेंट्स को पता है हमारे पास लाइसेंस है कि नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको पता है आपके बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको हाईवे पर मत निकलने दो, उसकी कंपनी देखिए कि किन बंदों के साथ वो घूम रहा है, क्या हरकतें वो कर रहा है, अगर लाइसेंस है फिर भी उसको टोकिए कि लीगल कोई चीज़ आपने नहीं करनी है, स्टंट नहीं करने हैं। आजकल तो यार फैमिली वाले भी ऐड ही होते हैं सारों के फेसबुक फूसबुक में, ये नहीं है कि आपको नहीं पता कि आपका बच्चा स्टंट कर रहा है, तो इस चीज़ को रोकिए इससे पहले कि किसी का नुकसान करें, अपना नुकसान करें, आप रोक लोगे तो सबसे अच्छी बात वही है। परिवार को रोकना चाहिए स्टंट्समैन को, खासकर टीनेजर्स बच्चे हैं जो रोड पे निकल रहे हैं, हाईवे पे निकल रहे हैं और बाइक्स के साथ स्टंट कर रहे हैं। हालांकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आज ये जो रजिस्टर्ड बाइक्स क्लब हैं जम्मू के अंदर, इन्होंने आवाज़ उठाई है, जिस तरीके से अनरिकॉग्नाइज्ड अनरजिस्टर्ड कुछ क्लब्स, मैं तो नहीं कहूँगा लेकिन अनरजिस्टर्ड जो कुछ फटनिटी हैं वो बाइक से रिलेटेड, वो जिस तरीके से स्टंट्स कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। और स्टंट्स करने के लिए आपको, जैसे विक्रम जी ने आज जानकारी दी कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेसिफिक प्लेस होती है, वहीं पे आप स्टंट्स कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रखिएगा कि क्या कहते हैं, स्टंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और पब्लिक प्लेस में होने चाहिए कि स्पेसिफिक प्लेस में होने चाहिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहें ग्रेट जंप वर्चुअल के साथ, कैमरामैन काका के साथ, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।